नहीं मिल रहा है गाइस, नहीं मिल रहा है। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग दैट मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। गाइस मेरा 128 GB का मेमोरी कार्ड मेरे से गुम हो गया है। गाइस यू मिस्ड माय लास्ट का लास्ट वाला व्लॉग। वेल आई गिव यू अ क्विक समरी ऑफ दैट व्लॉग। वेल मेरे कॉलेज में ट्रेडिशनल डे था एंड यूजुअली मैं मेरे दो मेमोरी कार्ड कैरी करता हूँ, एक 32 GB का मेमोरी कार्ड, 128 GB का मेमोरी कार्ड। सो 128 GB का मेमोरी कार्ड मेरे कैमरे में था, अटैच था। एंड हुआ कैसे गाइस सीन, एंड जैसे कि आपको पता है मैं मेरा कैमरा स्टेज पे लेके गया था, मेरे कैमरे की बैटरी हो गई थी डेड। स्टेज पे उतरने के बाद मैंने मेरा मेमोरी कार्ड मेरे मोबाइल में डाल दिया एंड तब तक तो मेरा मेमोरी कार्ड मेरे मोबाइल में था। बस बाद में जब मैं घर पे आया एडिटिंग के लिए, मैंने मेरे दूसरे मोबाइल में वो मेमोरी कार्ड डाल दिया। बट उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मेमोरी कार्ड मेरे को मिल ही नहीं रहा। सो या एंड अच्छा हुआ उसकी जो फाइल्स थी ना वो बैकअप के लिए मैंने मेरे दूसरे मोबाइल में सेव करके रखी थी। से मेरे व्लॉग्स के जो भी फाइल्स रहते हैं ना, वीडियोस रहती है ना, वो मैं फटक से मेरे दूसरे मोबाइल में सेव कर देता हूँ ताकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो मेरे साथ। सो फाइल्स तो बच गई बट मेरा मेमोरी कार्ड नहीं बचा एंड मेरे दोस्तों के जो फोटो थे उस मेमोरी कार्ड में वो भी नहीं बचे। मतलब अभी मुझे नया मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा। सो या सो ऐसा शुरू कर रहा हूँ मैं आज का मेरा व्लॉग। हे व्हाट अप माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू गाइस, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं जा रहा हूँ भिंडी बाजार CST। यस गाइस, सो क्यों आपको टाइटल थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ गया रहेगा। सो या मैं वहां पर जाके दिल वाले ट्राई करने वाला हूँ। अब ये दिल वाले क्या है वो वहां पर जाके मालूम पड़ेगा। बिहाइंड मी वहाँ पर रोड है तो व्हीकल्स का बहुत नॉइज आता रहेगा। देन सो या सो अभी क्या करना है, पप्पू जूस वाला सो देर इज अ पप्पू जूस वाला। सो अभी हम लोग वहाँ पर जाके दिल वाले ट्राई करने वाले हैं। सो तेरा फर्स्ट टाइम है क्या? वाले तो इधर बहुत है बट ये फेमस है आवाज बहुत है यहाँ पर। सो फर्स्ट शॉप में हम लोग गए थे तो हम लोगों ने उनको पूछा कि पप्पू जूस वाला किधर है, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ हमारा ही पप्पू जूस वाला है। एंड ऊपर उनका जो बैनर था वो उनसे और ही नाम दिखा था। सो यार टूटने वाले ऊपर का क्या बोल रहे हो, काम चल रहा है ऊपर, ये व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ गिर भी सकते हैं अपने ऊपर। सो यार तुम्हें कहा था, सो हम लोग फर्स्ट शॉप पे गए थे तो उन्होंने पप्पू जूस वाला बोला पर वो पप्पू जूस वाला नहीं था। अगर आप इधर दिल वाले पीने आ रहे हो ना तो पप्पू जूस वाले के यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाता है और लोग बोले कि उसकी शॉप वगैरह बंद है तो विश्वास मत करना। यहाँ पर बहुत गए स्कैम होते हैं तो हमारे साथ भी बहुत स्कैम होते होते बच गए। बट हम लोग क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट है तो हम लोग बच गए। तो अभी हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो अभी दिल वाले के यहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं पप्पू जूस वाले के यहाँ पे। चलो गए खड़ी है, बड़ा शाइनिंग वाले खड़ी है, चलो उधर ऑर्डर दे। सो अभी मैं रियल पप्पू जूस वाले के यहाँ पर हूँ। यहाँ पर वेल आप भी बोलते रहोगे कि क्या पप्पू जूस वाला कब से कर रहा है। वेल जो पप्पू जूस वाला है ना ये दिल वाले के लिए स्पेशल है, ओनली फॉर दिल वाले। सो हम लोग वहाँ पर थे ना, देन वहाँ पर भी हमारे साथ एक स्कैम हुआ। वो पप्पू जूस वाला का फर्स्ट कॉपी था एंड ये जो है ना ये ओरिजिनल है। सो बिहाइंड मी, क्या आप ओनर हो इस शॉप के? हाँ। ओके, सो ही इज द ओनर ऑफ दिस शॉप। सो चलो अंदर चलते हैं। ओके ओके, सो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का मतलब भंडारा लगा है यहाँ पर। सो अभी अपन क्या ट्राई करेंगे, मतलब यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम है तो क्या ट्राई कर सकता हूँ मैं? हाँ, दिल वाले मलाई काजू क्रीम। ओके, सो वो अच्छा रहेगा ना मेरे लिए? ओके, सो वो बना दीजिए। ये है पप्पू जूस वाले का किचन। सो मेरे दिल वाले बना रहे हैं। सो अभी मैं इसका अच्छा खासा मॉन्टेज बनाऊंगा। सो दिल वाले हो गया है रेडी। ये वाला दिल वाले हो गया रेडी। कौन सा दिल वाले भाई तुम्हें? कौन सा? कोकोनट। तो ये कोकोनट वाला दिल वाले है एंड मेरा स्पेशल वाला अभी बन रहा है। तो मेरे स्पेशल वाले का मॉडल है ये।
तो आपने जो मेरे लिए वो दिल वाला बनाया है वो क्या आप मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करोगे कि एक्चुअली क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है उसमें? उसमें काजू क्रीम बादाम, काजू क्रीम बादाम और जी और नारियल का नारियल पड़ता है भाई, नारियल पड़ता है और आपसे पूछिए और आगे क्या पड़ता है उसमें? मलाई है, काजू क्रीम, ओके बर्फ, ओके ओके अच्छा है। तो अभी मैं इसे ट्राई करने के बाद आपसे इसका हॉनेस्ट रिव्यू आपको देता हूँ। हियर इज माई फर्स्ट दिल वाले, सो अभी मैं इसको ट्राई करूँगा एंड आई विल गिव यू अ हॉनेस्ट रिव्यू। खाने का कैसा फायदा हुए डायरेक्ट नहीं खाते इसे, एक स्ट्रॉबेरी उड़ाने का एंड खाने का। गाइस ऑनेस्टली सही, मतलब मेरे मुंह में ना फ्लेवर्स का ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, और क्योंकि ना गाइस इस स्ट्रॉबेरी में, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में क्रीम है, चॉकलेट है एंड स्ट्रॉबेरी का अलग टेस्ट है। तो या साक्षी तू भी ट्राई कर इसे। साक्षी कैसे है? पहली बार मेरे को सीताफल अच्छा लग रहा है। पहली बार एंड अभी स्पेशल वाला ट्राई कर। कैसे है साक्षी? अब मेरा वाला डाला कॉपी मत करा, मेरा वाला डाला कॉपी मत करा। इतने सारे फ्लेवर है ना? बहुत सारे फ्लेवर है, समझने को टाइम लग गया। सो मेरे तरफ से इस दिल वाले को कितने रेटिंग दूंगा? 10/10 ओके मैं 8 दूंगा, 8 इंटू 10/10 मेरे को भी अच्छा लगा, ऑसम है। सो आई एम जस्ट डन ईटिंग दिल वाले एंड सच बोलूँ गाइस इतना मीठा मैंने लाइफ में पहली बार तो नहीं बट बहुत टाइम बाद खाया है एंड बहुत टाइम बाद खाने के बाद मेरा पेट पूरा फुल हो गया है। एंड साक्षी तू बता कि तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मैं तो खाना भी नहीं खाया था फिर भी मेरा पेट फुल हो गया। पेट फुल हो गया ना तेरा? सो गाइस मेरे को हॉनेस्टली सेइंग अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना देन आप यहाँ की स्ट्रॉबेरी स्पेशल ट्राई कीजिए एंड सीताफल भी बहुत अच्छा है। अगर आपको स्पेशल वाला ट्राई करना है देन स्ट्रॉबेरी स्पेशल ट्राई कीजिए। एंड गाइस मैं हॉनेस्ट बोल रहा हूँ, इनके शॉप में खड़े लेके बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रॉबेरी ट्राई कीजिए। बाकी यहाँ का इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, स्पॉन्सर बाय मी एंड साक्षी। सो या सो नाइस टू मीट यू। एंड अगर कोई मेरा व्यूवर्स देख के आए आपके पास तो कुछ डिस्काउंट ओके। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना देन मेरे चैनल का नाम दीजिए तो वो आपको थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। देखोगे ना नक्की? सो नक्की नक्की। सो या सो राइट नाउ वी आर हेडिंग आउट टू वेयर, अभी काम करते हैं, अभी कैब भी अपनी बुक करते हैं, चल के जाते हैं। थोड़ा कैलरी बहुत दूर है। सो व्हाट, कैलरी लूज हो जाएगी, अभी इतना खाया है अपन ने। कैन यू बिलीव हम डोंबिवली से यहाँ पे आए, चल के नहीं आए, ट्रेन से आए, बट स्टिल बट यहाँ पर आना ये बोलते हैं ना सफल हुआ। हाँ, so, सफल हुआ। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है एकदम हाई। इसने मेरे सीखा है, मेरे से सीखा है, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट। वेरी वेरी टायरिंग जर्नी फ्रॉम भिंडी बाजार टू डोंबिवली बिकॉज बहुत भीड़ थी गाइस, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। सो या गाइस सो एक्चुअली वो जो दिल वाला था ना गाइस वो कोकोनट की जो अंदर की मलाई रहती है ना वो उसे ग्राइंड करते फिर वो मलाई एंड दूध के क्रीम में मतलब मिक्स करते उसको एंड वो टेस्टी भी बहुत था, बहुत टेस्टी था गाइस। सो इफ यू आर फ्रॉम मुंबई देन जस्ट डू विजिट दैट पोपू जूस वाला। सो या अभी टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का। सो जाते जाते लाइक बटन को दबा कर कीजिए ब्लू, सब्सक्राइब बटन को दबा कर कीजिए ग्रे। सो टिल देन आई एम ऑलवेज साइनिंग आउट फ्रॉम माय यूट्यूब, हैव अ गुड डे। बाय द वे आई एम वेयरिंग ग्रे टी शर्ट, सो या बाय बाय एंड लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो, एंड आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो। एंड हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो करना। अब बाय बाय।
तो पै तो दिल वाले के यार बहुत नॉइज़ है यार।